बजाज नगर थाना क्षेत्र में होली पर लगे नाकाबंदी के दौरान लोकमत चौक से बजाज नगर की ओर जारी एक कार की तलाशी लेते वक्त पुलिस को कार की डिक्की से तकरीबन 38,000 रुपए कीमत की विदेशी कंपनी की शराब मिली है, जिसका आरोपी के पास कोई भी लाइसेंस नहीं था। बजाज नगर थाना क्षेत्र के काचीपुरा में होली के उपलक्ष्य में नाकाबंदी लगाई गई थी, जहां करीब 2 से 3 बजे के दौरान नाकाबंदी के वक्त लोकमत चौक से बजाज नगर की ओर जाते समय सराफा व्यापारी कार्तिक विनोद गर्ग, जो कि अपनी कार MH31FR1739 से किसी जगह पार्टी करने के उद्देश्य से जा रहा था, उसी दौरान नाकाबंदी में चेकिंग के लिए कार्तिक की कार रोकी गई, जहां तलाशी के दौरान कार की डिक्की में तकरीबन 38,000 रुपए कीमत की विदेशी कंपनी की शराब पाई गई, जिसका कार्तिक के पास कोई भी लाइसेंस नहीं था, जिसके बारे में पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर कार्तिक सही तरीके से जवाब ना दे पाया, जिससे पुलिस को संदेह हुआ कि कहीं पर पार्टी में या किसी को बेचने के उद्देश्य से शराब कहीं ले जाई जा रही है। शक की बिना पर पुलिस ने आरोपी कार्तिक गर्ग को हिरासत में लिया, वहीं कार सहित 9,38,000 का मुद्देमाल जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तब आगे होली हा सण झाला आणि होळीमध्ये काही भांडण वगैरे झालेलं असतात आणि त्याच्या कारणावरून सुद्धा नंतरसुद्धा काही गुन्ह्याचे प्रकार घडतात, त्या अनुषंगाने वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे दररोज रात्रीलासुद्धा नाकाबंदी केली जाते, वाहने चेक केले जातात। तर आज दिनांक रोजी 9 रोजी सकाळी 2 ते 3 वाजेच्या दरम्यान एक नाकाबंदी लावण्यात आली होती काचीपुरा चौक येथे, त्या ठिकाणी EPSC आणि स्टाफ हजर होता। त्या दरम्यान लोकमत चौकाकडून एक गाडी येताना दिसली, हुंडाई कंपनीची कार, संशयित वाटल्याने त्या गाडीला आपण चेक केले असता त्याच्यामध्ये त्याच्या डिक्कीमध्ये वेगवेगळ्या विदेशी प्रकारचे 38,000 दारू मिळून आली। याबाबत त्याला विचारणा केली असता त्याने समाधानकारक उत्तर दिलं नाही, त्याच्याकडे कुठलाही परवाना नव्हता, या कारणावरून ती गाडी आणि तो मुद्देमाल आपण जप्त केला आहे। तो माल त्याने कुठून आणला होता आणि कुठे घेऊन जात होता, कशासाठी घेऊन जात होता, याबाबतचा तपास चालू आहे। हा जो इसम होता गाडीमध्ये, त्याचं नाव पत्ता विचारलं आपण, त्याचं नाव त्याने कार्तिक गर्ग असं सांगितलं, 28 वर्ष वयाचा तो आहे आणि तो गोमतीनगर कळमना हद्दीमध्ये राहतो। याने हा माल कुठून आणला होता आणि कुठे घेऊन जात होता याबाबत त्याने काही समाधानकारक उत्तर दिलेलं नाही आहे, तपास चालू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN News नागपूर।